हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडिशन ट्रिक जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आप ये ट्रिक सीख सको। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आप देखोगे एक ऐसा एडिशन ट्रिक जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो देखिए, 4 + 44 + 444 + 4444, इसको अगर प्लस करना हो तो आप अगर ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर देख सकते हो आप, डिजिट 1 है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या करना है आपको, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्यों 4 से करना है आपको, सब देखोगे आप 4 की सीरीज है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 × 4 = 16 carry 1, 4 × 3 = 12 12 + 1 13 3 carry 1, 4 × 8 8 + 1 9 एंड 4 × 1 = 4। ये रहा आपका आंसर। अगर इस तरह के सम्स थोड़ा अलग वे में दिया हो, जैसे कि आप समझ सकते हो कि सबसे पहले दिया हो समझो 4 + 4 + 4 + 44 + 4, अगर ऐसा भी दिया हो तो भी आपको ऐसा ही मेंटेन करना है। जैसे एग्जांपल, पहले यहाँ पे 4 दिया है, फिर 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो भी आपको मेंटेन करना है 1, 2, 3, 4 ही मेंटेन करना है आपको, तो ही आपका आंसर आएगा आपको। तो ये आपको सिखा दिया मैं। अब और एक नंबर लेते हैं हम लोग जिससे ये ट्रिक और भी इजी हो जाए। थोड़े बड़े नंबर लेते हैं अब इस बार हम लोग। अब 9 लेता हूं मैं, 9 + 99 + 999 + 9999। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला डिजिट 1 है, सेकंड डिजिट 2 है और थर्ड डिजिट देखिए 3 है और ये जो है ये 4 है। अब क्या करना है आपको, आपको मेंटेन करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए यहाँ पर 9 × 4 = 36, 6 = 3, 9 × 3 = 27, 27 + 3 = 30, 0, 3, 9 × 2 = 18 और 18 + 3 = 21, तो 1, 2 carry, 9 × 1 = 9, 9 + 2 कितना होगा, 11, तो ये रहा आपका आंसर। अब हो सके कुछ अलग वे में आ गया सम, जैसे कि एग्जाम्पल ऐसा सम्स आ गया अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 5 + 55 + 555 + 55। अब देखोगे इसमें किस तरह का थोड़ा चेंजेस हो गया है। यहाँ पे देखिए एक डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पर है 2 डिजिट। अब क्या करोगे आप, किस तरह से मेंटेन करोगे इसको, तो वही फॉलो करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ गया, तो आप एक को आप ऐसे कॉमन रख दीजिए, सो कुछ मत करिए, आप लिख दीजिए 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम बाद में करते हैं, इसको हम लोग 5 × 3 = 15, 5 carry 1, 5 × 10, 10 + 1 = 11 carry 1, 5 × 5 + 1 = 6। उसके क्या करना है आपको, ये जो 55 रहा है बचा हुआ था उसको आपको प्लस कर देना है, 5 + 5 = 10, 5 + 6 = 7 और 6, ये हो गया आपका आंसर। आपको ध्यान ये रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा इस तरह का भी सम आ सकता है। एग्जाम्पल, आपको हर तरह का सम्स बता रहा हूं आपको मैं, यहां पर ऐसे भी सम्स आ सकते हैं, 6 + 6 + 6 + 66 + 666, ऐसा भी सम्स आ सकते हैं। तो आप देखोगे यहां पर ये 1 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट है और यहां पर 4 डिजिट है, तो भी आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करना है। आपको क्या लिखना है, 1, 2, 3 और 4, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, मल्टीप्लाई करना है।
तो 6 4 या 24 4 टू कैरी, 6 3 या 18 18 प्लस 2 20 0 2, 6 2 या 12 12 प्लस 2 14, 6 1 या 6 प्लस 1 7, ये रहा आपका आंसर। तो ये सब हो गया है, नंबर की बात हो गया है, अब हम सीखेंगे डेसिमल के ऊपर। अगर डेसिमल नंबर आ गया एग्जाम में तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो डेसिमल के लिए सीख लेते हैं हम लोग कि डेसिमल में क्या करोगे आप। एग्जाम्पल डेसिमल में ऐसा आ गया है कि 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4 टाइम्स 4। अब डेसिमल की बात आ गई, अब डेसिमल में क्या करोगे आप। आप देख सकते हो डेसिमल के अंदर इसमें वन डिजिट है, यहाँ टू डिजिट है, और यहाँ पर थ्री डिजिट है, और यहाँ पे फोर डिजिट है। क्या डिफरेंस है नंबर में और डेसिमल में। आपको नंबर में क्या करना होता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना होता है, जैसे 1 2 3 4। और डेसिमल में क्या करना है, टोटल रिवर्स करना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 है तो डेसिमल में क्या करना है आपको 4 3 2 1 उल्टा लेना है आपको, और मल्टीप्लाई करना है 4 से, आपको ये मेंटेन करना है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए आप 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 4 4 जा 16 16 प्लस 1 17। अब आपको डेसिमल नंबर कहाँ रखना है आपको, ये आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट जो है वो है 4 डिजिट है। मतलब क्या करना है आपको, जो हाईएस्ट होगा उतने नंबर के बाद आपको डेसिमल रखना है। अब यहां पे 4 है तो क्या करोगे आप, 1 2 3 4 4 नंबर के बाद आपको डेसिमल रख दोगे, तो आपका आंसर ये हो गया आपका आंसर। अब डेसिमल के अंदर बहुत तरह के सम्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करोगे आप, वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। आप एंड तक बने रहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो डेसिमल में ऐसा भी आ सकता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकता है कि 0.55 प्लस 0.555 प्लस 5.4 टाइम्स 5 प्लस 5.5। आप देखोगे, आप थोड़ा मैं इसको चेंज कर दिया मैंने, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, और यहाँ पर 4 टाइम्स है, और यहाँ पर 1 टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 2 3 मेंटेन नहीं करना है, आपको बड़े से छोटा मेंटेन करना है आपको, क्योंकि डेसिमल है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे यहाँ पर, उसके क्या करोगे 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, और फिर 1 लिखोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पहले क्या होता था 0.55 0.555 और यहाँ पर 5.5, ये नया है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 कैरी 1 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 6 कैरी 1 5 4 जा 20 20 प्लस 1 21। अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट जो है वो है हमारा 4 है यहाँ पर। तो क्या करोगे, 4 नंबर के बाद डेसिमल रख दीजिए, 1 2 3 4। अब अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 5.5 है, तो यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है, तो क्या करना है आपको, 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पे आपको 10 प्लस कर देना है, 5 0 6 1 2 1 यहाँ पर, तो आपका आंसर हो गया 12.1605, ये रहा आपका आंसर। तो ये सारा ट्रिक सिखा दिया आपको मैं डेसिमल के, आपको अगर नंबर हो तो क्या करना है, आपको डेसिमल हो तो क्या करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो भी आपको डाउट हो अगर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे ट्रिक आपको देते रहूँगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। रुकिए दोस्तों, ये बाकी रह गया था हमारा कि कुछ क्वेश्चन देना बाकी रह गया था, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो देखिए पहला सवाल दे रहा हूँ आपको मैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, 8 प्लस
डबल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस फोर टाइम्स एट प्लस फाइव टाइम्स एट। इसको सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.888 प्लस 0.888। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ साथ में जिससे और क्लियर हो जाएगा, 8.8 प्लस 8.88 प्लस 0.888 प्लस 0.4 टाइम्स 8। ये तीन क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, जितना हो सके जल्दी आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।